हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 पार्ट 6। पार्ट 5 में आप सभी ने हमारे साथ सीव एकेडमी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीनिंग्स, फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट्स को समझा। आज पार्ट 6 में हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिजनेस फॉर्म का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके डिफरेंट टाइप्स इस प्रकार है: कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से ही उसके फंक्शंस के बारे में पता चल जाता है। समझते हैं सबको वन बाय वन। तो फर्स्ट वन है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जाता है, क्योंकि हर एक कंज्यूमर को राइट है कि उसको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर मिले। अब ये क्या हुआ, देखिए, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है, जो डिफरेंट टाइप्स की गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्ट करती है, वो अपनी चीज़ें मार्केटिंग चैनल के द्वारा हमारे पास पहुंचाती है। यह मार्केटिंग चैनल यानी कि प्रोड्यूसर, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और फिर वो हमारे पास पहुंचती है। तो इस सफ़र के दौरान काफ़ी सारे एक्सपेंसेस और सबका प्रॉफिट मार्जिन भी कॉस्ट में इंक्रीज हो जाता है। तो इन सब की क्या ज़रूरत है, इन सब से बचने के लिए प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो चीज़ पहुंचती है वो रीजनेबल प्राइस से पहुंचाने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वही खुद कस्टमर बनकर बल्क में सारी चीज़ें खरीद लेती है और बाद में अपने मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस पे बेच देती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि दो वर्ड्स आए, कस्टमर और कंज्यूमर, तो कई जगह पे इन दोनों वर्ड को सिनोनिम्स की तरह यूज़ किया जाता है, पर ये दोनों वर्ड अलग है। कस्टमर अलग है और कंज्यूमर भी अलग है। जो कस्टमर होता है वो चीज़ को परचेज करता है और वही चीज़ को जो कंज्यूम करे तो कस्टमर ही कंज्यूमर बन जाता है। पर अगर कोई पर्सन चीज़ को परचेज करता है पर कंज्यूम नहीं करता तो वो सिर्फ कस्टमर होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कस्टमर होता है यानी कि जो परचेज करता है वही चीज़ को कंज्यूम नहीं करता। तो कभी कभार कस्टमर ही कंज्यूमर होता है और कभी कभार कस्टमर और कंज्यूमर दोनों अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो खुद कस्टमर बनकर चीज़ें परचेज करती है और कंज्यूमर तक पहुँचाती है। इस सोसाइटी का मेन एम मिडल मैन का एलिमिनेशन करना होता है और उसके द्वारा जो भी प्रॉफिट मिलता है उसको अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इन सब का एग्जांपल सुपर बाजार, अपना बाजार है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। काफ़ी सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जिनको इनपुट की और उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए आउटपुट के सेलिंग की प्रॉब्लम्स होती है। तो उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, जो कि स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करती है। एक कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री से स्मॉल प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करती है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है गुजरात की अमूल। नेक्स्ट, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होता है उनको अपनी प्रोडक्ट सेलिंग के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन सभी को सुलझाने के लिए, उन सभी में इन प्रोड्यूसर्स की हेल्प करने के लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होती है। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। ये सोसाइटी इसके साथ ही मार्केटिंग फंक्शंस भी करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, ग्रेडिंग एटसेट्रा, जिससे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को अपनी आउटपुट, अपनी चीज के अच्छे दाम मिल सके। इसके बेस्ट एग्जांपल्स है महाग्रेप, कॉटन मार्केटिंग, कोप्स एटसेट्रा।
नेक्स्ट फार्मर्स को ऑपरेटिव सोसाइटी, छोटे छोटे फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको लार्ज स्केल फार्मिंग के बेनिफिट्स मिले, जिससे वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब कैसे होता है, देखिए जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास जो अपनी लैंड होती है वो भी बहुत छोटी होती है, जिससे फ्रेगमेंटेशन फार्मिंग होता है। तो यहाँ पे जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो सब मिलके लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट लेते हैं, और उसके लिए भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको सीड्स, फर्टिलाइजर, इक्विपमेंट्स, ये सभी चीज़ें वाजिब दाम पे मिले, ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, और उनके द्वारा जो भी आउटपुट होता है उसको बेचने में भी उसकी सहायता करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको हम सब इफको के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कई सारे नीडी पीपल से जिसको लोन की ज़रूरत होती है, पर उन सभी के पास बैंक में कोलेटरल के फॉर्म में रखने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, उसके पास कोई गारंटर नहीं होता, और उसको इसकी फॉर्मालिटीज़ का भी कुछ नॉलेज नहीं होता। तो ऐसे लोग जाते हैं मनी लेंडर के पास, जो उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट वसूल करते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, जो अपने मेंबर्स को रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस पर लोन देता है, और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी लो रेट पर होता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है मेट्रो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हमारे आसपास कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना घर खरीदना चाहते हैं, पर उसके लिए उसके पास मनी की कोई फैसिलिटीज नहीं होती जिससे वो अपना घर खरीद कर सके। तो ये सोसाइटी ऐसे लोगों के लिए घर बनाती है, या तो उसको घर, फ्लैट और प्लॉट लेने के लिए लोन लेने में भी सहायता करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सैनिक कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड एक्सेट्रा। तो इस पार्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ कंपनी। स्टे ट्यून्ड विद सीवी एकेडमी। थैंक यू।